हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे। वेलकम बैक टू माय क्लास सुखदेव पटसारिया केमिस्ट्री क्लासेस ग्वालियर फॉर जी नीट एंड बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन लेक्चर नंबर 8 ऑफ केमिकल काइनेटिक फ्रॉम क्लास 12th। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट गेट 100 परसेंटाइल फ्रॉम 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आज का टॉपिक है। दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जी और नीट विद 12th क्लास। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। व्हाट काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए कुछ चीजें आपको बता दूं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। दो तीन बातें हैं। नंबर वन, ये क्लास 12th का टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है केमिकल काइनेटिक। इस टॉपिक में जो मैं सीरीज स्टार्ट की है पिछले कई दिनों से, वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। मैं पूरी केमिस्ट्री के सभी टॉपिक्स के जी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करा रहा हूँ। इसमें मैंने 100 सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं हर टॉपिक से, और वो सारे 100 क्वेश्चन टॉपिक वाइज में उन्हें सॉल्व करा रहा हूँ बेस्ट ट्रिक के द्वारा। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने कई कई सालों की रिसर्च के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि यदि कोई बच्चा कंप्लीट 11th और 12th के जो NCERT के टॉपिक हैं, इनके पुराने 20 से 25 ईयर के सिलेक्टेड जी मेंस और एडवांस के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लें अच्छे से, तो वो 100 परसेंटाइल जी मेंस में ला सकता है। अब आपको ये चीज़ को विश्वास करना पड़ेगा कि हर 25 साल के क्वेश्चन में पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाता है और क्वेश्चन का पैटर्न भी लगभग लगभग वही रहता है। इसलिए मैंने ये सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है, गेट 100 परसेंटाइल फ्रॉम 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। आप इनको डेली इन क्वेश्चंस को देखिएगा, इनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा ही नहीं होगा, बल्कि आप मेरे केवल इन क्वेश्चन से आप सिलेक्शन ले जा सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। MCQ नंबर 8 कह सकते हो, इंटीजर टाइप क्वेश्चन नंबर 8 कह सकते हो, जो भी टाइप के क्वेश्चन है सभी करा रहा हूँ, लेकिन एक टॉपिक से ओनली 100 क्वेश्चन। और ये डेली आपका रात को 8 बजे आपको ये वीडियो देखने को मिला करेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आपको ट्रिक बताते हैं या फॉर्मूला बताते हैं, जो भी है आपके लिए कन्वीनियंट है आपको सिखाएंगे। क्वेश्चन क्या है, द इनएक्टिवेशन रेट ऑफ ए वायरल प्रिपरेशन इज, वायरल की जगह थोड़ा इसमें चेंज कर लीजिए, वायरस है, वायरस प्रिपरेशन इज प्रपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ वायरस। देखिए कुछ क्वेश्चन को कैसा घुमाने की कोशिश की है जबरदस्ती, रेट ऑफ रिएक्शन वाले टॉपिक से है, यानी वो उनका कहने का मतलब है कि किसी वायरस का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो वायरस जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस वायरस का इनएक्टिवेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना बनाएंगे उतना वो इनएक्टिवेट होगा। द इनएक्टिवेशन रेट ऑफ ए वायरस, वायरस का इनएक्टिवेशन रेट क्या कह रहा है प्रिपरेशन में, इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ वायरस, राइट। ठीक है, इन द फर्स्ट मिनट, पहले मिनट में, आफ्टर प्रिपरेशन, पहले मिनट में प्रिपरेशन के बाद 10% ऑफ द वायरस इज इनएक्टिवेटेड। पहले मिनट में वो वायरस 10% इनएक्टिवेट हो जाता, फर्स्ट मिनट में 10% इनएक्टिवेट हो जाता। हम वायरस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसका इनएक्टिवेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रिपरेशन के, फर्स्ट मिनट में वो वायरस 10% इनएक्टिवेट हो रहा है, 10%
ऑफ द वायरस इज इनएक्टिवेटेड, द रेट कॉन्स्टेंट फॉर वायरल इनएक्टिवेशन इज। तो बताइए आप, ऐसी रिएक्शन का जिसे वायरस के रूप में दी गई है उसका रेट कांस्टेंट क्या है। इतना सरल क्वेश्चन है लेकिन कन्फ्यूजन करने की उसने पूरी कोशिश आपके लिए की है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और मेन चीज मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के लिए हम कैसे सोचें कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है, ये मेन बात है। तो बस आपको क्वेश्चन में यही ढूंढना होता है, इसमें क्लियर लिख रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर द वायरल इनएक्टिवेशन इज 10^-3 पर मिनट। हर यूनिट को भी देखा करिए, नियरेस्ट इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का है, आप इसे कहीं भी चेक कर सकते हैं। तो आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, और रेट कांस्टेंट निकालेंगे तो रेट कांस्टेंट तो आपको दो तीन तरीके से देखने को मिलेगी। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी होती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होती है, सभी में आपको रेट कांस्टेंट मिलेगा। तो हम कैसे माने इसमें कौन सा रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाना है, तो बड़ा सरल है, आप इस यूनिट को देखा करिए। फाइनल में लिखा पर मिनट, पर मिनट जो है मैंने पिछले वाले लेक्चर में, जस्ट पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था उसमें रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना सिखाया था, जरा आप उसे जरूर पढ़ लीजिएगा, यानी हर चीज़ आपको इन न्यूमेरिकल्स में ही मिल जाएगी। तो ये पर मिनट लिखा है ना, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट होता है रेट कांस्टेंट का पर मिनट। तो पक्का मान लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट, और उसमें क्या चेक करना है हमें कि टाइम दिया हुआ है कि नहीं, टाइम इसमें दिया गया है, और उसमें इनएक्टिवेशन रेट भी दिए गए, पहले 100%, फर्स्ट मिनट में 10% इसका इनएक्टिवेट हो गया, तो आपका कंसंट्रेशन भी वायरस का दिखा दिया उसने। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या लिखना, कहाँ से स्टार्ट करना है, सिंपल सी बात है, वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ आपको ये सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, नोट करिएगा, बहुत ही सरल है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है वो लिख ले पहले, तो ये होता है रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन स्मॉल t log a अपॉन a माइनस x। ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला, आपने सवाल पढ़ा, बस ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या क्या क्वांटिटी, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, बस आपको वो ध्यान रखना है। t दिया हुआ है और इनिशियल कंसंट्रेशन है ए, और ये फाइनल कंसंट्रेशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन उसमें ये कह दिया ना 10% इनएक्टिवेट हो जाता है फर्स्ट मिनट में, इसका मतलब पहले 100%, यानी 100 ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा, 10% इनएक्टिवेट हो गया तो कितना बचा 90, यानी नीचे आ जाएगा 90, 100-10। उसके बाद इसकी लॉग की वैल्यू करके इसको सॉल्व कर देंगे। टाइम उसमें क्या दिया है, मिनट में ही दिया हुआ है तो 1 है, इसका कोई रोल नहीं है, बस आपको सॉल्व करना है। देखिए मैं, और लॉग की जो वैल्यू है ये थोड़ी परेशान करेगी आपको, ये मैं आपको निकालना आज अभी सिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ से आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 1 लॉग, लॉग में चीज को लिखना सिखा रहा हूँ, लॉग में ए की जगह आपको लिखना है 100 और नीचे लिखना है 100-10, 10% इनएक्टिवेट हो गया, ये इसका लिखने का तरीका है। ओके, बड़ा सिंपल है, अब आपको इसमें सॉल्व कर दीजिए। तो और इस स्टेज को आगे लेते चले जाएंगे हम। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 1, लिखते जाइए कोई यूज नहीं है फिर भी, लॉग, देखिए लॉग 100 तो 100 रहने दीजिए, और ये नीचे 10 चला जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, 0 काट दीजिए तो ये हो जाएगा लॉग 10 अपॉन 9। आगे चलते हैं तो ये के इज इक्वल टू, फिर इसको सॉल्व कर दीजिए, 2.303 अपॉन 1, अब यहाँ पर हो जाएगा लॉग 10-log
9 ऐसे लिखा जाता है। जो डिवाइड में कोई चीज़ होती है तो उसे माइनस करके लिखा जाता है, log 10 माइनस log 9। log 10 की वैल्यू तो हमें मालूम रहती है कि log 10 इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन log 9 की वैल्यू आपको याद करना मुश्किल होगी, इसलिए इसको सिंपल कर लेते हैं। log 9 को स्क्वायर में बदल दो तो ये आंसर आपका और आसान हो जाएगा। तो जिसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन सॉरी 1 log 10 माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हो log 3 स्क्वायर, ऐसे करके लिख सकते हो। तो ये छोटी संख्या में कर log 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप आसानी से, आपने 6th-7th क्लास में भी ये सीखा होगा कि 2 log 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना आसान रहेगा। इसको मैं आगे और आगे बढ़े जा रहा हूँ। तो यहाँ देखिएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 1 और आगे क्या है log 10 माइनस, ये माइनस है और इसको लिख सकते हैं 2 log 3। ये लिखने का तरीका होता है। देखो शॉर्ट में कर दिया मैंने log को। अब हम यहाँ पर log 3 की वैल्यू होती है 0.477 और log 10 की वैल्यू होती है 1, बस कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो देखिए आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 1, log 10 की वैल्यू होती है 1, इंटू लगाया मैंने, यहाँ पर ब्रैकेट कर देता हूँ, 1 माइनस 2 इंटू log 3 की वैल्यू होती है 0.477। ये देखिए ये आपका कैलकुलेशन, आपको इसमें मल्टीप्लाई करना, 1 में से माइनस करना है, उसको 2.303 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू 0.1059। ये आपका आंसर आ जाता है। इस आंसर को आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना सीख लीजिएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए तो वैसे हम 1 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, लेकिन आप आंसर देखिए लिखा हुआ 10^-3, तो इसे पावर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 1.05.9 इंटू 10^-3, ऐसे लिख सकते हैं। यानी डेसिमल पॉइंट को मैंने 3 संख्या आगे ले गया तो 10^-3 ये माइनस 3 हो गया, यहाँ पर माइनस 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.05.9 के आगे इसको आप डेसिमल पॉइंट के चक्कर में मत रहिएगा, सिंपल संख्या में आप लिख सकते हो k इज इक्वल टू 106। ये आपका फाइनल आंसर है और यही आपको यहाँ पर लिखना है 106। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मेन तो ये आपका फॉर्मूला है जो आपको सॉल्व करना है और इस तरीके से क्वेश्चन निकल आता है। वायरस वगैरह के नाम से वो कन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारा रेट आसानी से हम इसमें निकाल सकते हैं। और इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सेम वैल्यू यहाँ नहीं घबराना है, आपको इस तरीके से कन्वर्ट कर लीजिए, log 5 तक की वैल्यू याद करके जाइएगा, कहीं से भी किसी भी बुक से देख लीजिए। कई की बार क्या है पेपर में दिया रहता है, अगर दिया हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए ये सीरीज आपको कैसी लगी, गेट 100% फ्रॉम 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और बता भी सकते हैं क्या ये सीरीज जारी रखी जा सकती है या नहीं। सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।